अस्सलाम वालेकुम, कैनन न्यूज लाइव के साथ मैं हूँ अलिशा नदीम। मैं हूँ निदान मोल। नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस पर। साबिक ऑस्ट्रेलवे सैनेटर और इंसानी हकूक के कारकुन ली रियानन ने कश्मीरियों के हक को इरादे की आलमी जदोजहद की हमायत करते हुए मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के इनखलाब और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। ली रियानन ने कश्मीरियों के लिए इंसानी यकीन बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इसी सूरत में आर्मी लीडर भी मोदी और बीजेपी की हुकूमत के जराइम और झूठ के खिलाफ एक्शन लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में आज भी शदीद धुंध है। धुंध के बाईस मोटरवे एंडमान पेशावर से सवाबी तक बंद है। हद निगाह कम होने पर मुल्तान सखर मोटरवे को जुजवी तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश और बर्फबारी वाला ताकतवर सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। आज और कल मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। PDMA ने सख्त मौसम से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के अक्सर बलाई इलाकों में भी तेज बारिश का इम्कान है। आर्मी नंबर वन प्लेयर नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच का एंट्री वीजा मंसूख कर दिया। जोकोविच को एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने 8 घंटे हिरासत में रखा। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। जोकोविच को वैक्सीन से सस्ता और गलत वीजे की बुनियाद पर दाखिले से रोका गया। जोकोविच को रोके जाने पर सर्बिया के सदर ऑस्ट्रेलिया पर बरस पड़े। सर्बियन सदर के जोकोविच ने गुफ्तगू जोकोविच से फोन पर कहा कि पूरा मुल्क आपके साथ है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ नार्वा स्लू का मामला उठाने का ऐलान कर दिया। आर्मी कमानीन के तहत जोकोविच को इंसाफ के लिए लड़ेंगे। PGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा है कि कल अदम TTP के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। कल अदम TTP की कुछ चीजें नाकाबले कबूल थी। सीज फायर खत्म हो चुका। कल अदम TTP नॉन स्टेट एक्टर है। DGISPR का मजीद कहना था कि कल अदम TTP में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। कल अदम TTP कोई बड़ा हमला नहीं कर सकी और इसके कई हमले नाकाम बना दिए। कल अदम TTP कोई खातिर हुआ कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। DGISPR का ये भी कहना था कि अफगान हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से रिजल्ट जारी कर दिया गया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के सालाना इम्तहानात का रिजल्ट जारी कर दिया। तमाम तलबा अपने पोर्टल से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कार्ड तलबा के घरों के एड्रेस पर भिजवाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।